श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोल राधा रानी की जय, बोल लाडली की जय, बोल श्री जी की जय। आप देखिए आज हम आपको लाए हैं कहाँ पर, टीवी टुडे इंडिया में आज हम आपको लाए हैं श्री जी की जन्म स्थली रावल गांव। रावल ये जमुना पार का एक गांव है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो राधा जू हैं श्री कृष्ण जी की अनन्य प्रेयसी, उनकी जन्म स्थली बरसाना नहीं वरन रावल है, राधे राधे। और ये देखिए यहाँ पर मिल गई हैं अनीता क्षेत्रपाल जी, क्या कहेंगी आज आप यहाँ पर, कैसी अनुभूति है आपकी जी? बहुत ही उत्सव का माहौल है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर के। इसी स्थान पर राधा रानी का जन्म हुआ था और आज यहाँ पे आना बहुत सौभाग्य की बात है। आज यहाँ पर आना बहुत सौभाग्य की बात है, तो हम भी ये माने कि हमारा भी बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या कहेंगी? भैया सब चीज सुविधा है और थोड़ा रास्ता बन जाना चाहिए यहाँ का। जब राधा रानी इतनी फेमस है तो रास्ता क्यों नहीं बनाया गया है? हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। ओहो, ये तो यहाँ पर आते ही शिकायत सामने आ गई। और आपको पता है कि हमारी जो माननीय सांसद महोदया हैं उनका गोद लिया हुआ गांव है ये। तभी भी उनको कुछ तो सोचना चाहिए ना इसके लिए, कुछ तो करना चाहिए। जब आपने ये गोद लिया है तो इसकी सड़क को बनाना चाहिए ना जी। आज में वो कितनी परेशानी होती आने जाने में जी। आइए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं कि और कौन कौन लोग हमें मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं और ये सुरक्षाकर्मी अपनी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और अंदर काफ़ी गाजा बाजा बज रहा है। और ये राहुल गुप्ता जी हैं, ये देखिए यहाँ के परम सेवकों में से हैं, भक्तों में से हैं। राहुल जी कवि भी हैं। राहुल जी आज आपका कवि हृदय क्या कह रहा है राधे जू को लेकर? राधे जू को लेकर कवि हृदय तो बार बार उमंग के गीत गा रहा है। आज राधा रानी का जन्म स्थान है, सभी ब्रजवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि राधे रानी का जन्म के आगमन से पूरे ब्रजमंडल में बहुत ही हर्ष का उल्लास छाया हुआ है। यहाँ मैं सुबह से ही राधा रानी के दरबार में उपस्थित हूँ। और सुना दीजिए आप आज राधे जू के लिए कुछ ब्रज के लिए, ब्रजवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धा के लिए। राधे रानी तरस कीजिए, राधे रानी दरस दीजिए, आके यमुना किनारे, आके यमुना किनारे दरस दीजिए, राधे रानी तरस कीजिए, राधे रानी तरस कीजिए। अभी राहुल जी कह रहे थे, सुना रहे थे कि राधा रानी दरस दीजिए, राधा रानी दरस दीजिए। राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि राधा रानी ने तुरंत दर्शन दे दिए, क्यों राहुल जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, राधा रानी के साक्षात दर्शन हमें यहाँ हो रहे हैं। राधा रानी जो घुटनों के बल की जो विग्रह है वो आपके सामने है और दूर दूर से भक्तगण यहाँ आके इस विग्रह के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, इन श्रद्धालुओं के द्वारा जो यहाँ पर ये एक अन्य मंदिर है, यहाँ पर कौन कौन विराजमान है आप बताएं? ये लाडली जी महाराज के स्वरूप के यहाँ दर्शन है। इस मंदिर में राधे कृष्ण की झांकी जो आप मुख्य मंदिर में देख रहे हैं, अभी आपने जी लाडली जी के दर्शन किए जो घुटनों के बल चलते हुए की छवि है, और यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन की झांकी जो सुबह उनका अभिषेक हुआ था, अभिषेक के बाद जो विराजमान है
मंदिर का विग्रह दूर दूर से भक्त आकर देखकर उसका आनंद उठा रहे हैं और अपने आप को धन्य और कृतार्थ समझ रहे हैं। इस युगल छवि को निहारने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं। यमुना किनारे यह रावल धाम में राधा रानी का मंदिर अपनी अलौकिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ एक ओर किशोरी जी के आंगन में बरसाने में रंग बरस रहा है, वहीं रावल धाम में राधा रानी के जन्म स्थान में भी रंगों की धूम है। लोग पूरा आनंद इस जन्मोत्सव का उठा रहे हैं। बड़े भाई और ये देखिए आप, यहाँ पर हम आपको श्रद्धा का सैलाब दिखा रहे हैं और ये देखिए राधा जी के जन्म की खुशियाँ किस तरह से मनाई जा रही हैं। यहाँ पर नृत्य करके और यहाँ पर डीजे भी बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, अपनी सुदबुद्ध खोकर अपनी आराधनी शक्ति को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये आनंद की वर्षा आप केवल इस आनंद में शामिल होकर ही ले सकते हैं। शब्दों में स्वरूप भी घूम रहे हैं, देखिए ये स्वरूप हैं, ये किन किन के स्वरूप हैं, ये जो स्वरूप भगवान के स्वरूप हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनका नृत्य भी यहाँ आंगन में हुआ था, इस प्रांगण में इनके नृत्य को देखकर भक्त भाव विभोर हो गए थे। आइए हम इन्हीं के पास चलते हैं। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। रावल के श्री राधा रानी मंदिर के छोटे पुजारी हैं जगमोहन कल्ला हमारे साथ। और क्या कहेंगे आप आज अपने इस आयोजन के बारे में और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के बारे में? यह ब्रिज का सबसे पहला मंदिर रावल, अगर रावल नहीं होता तो ब्रिज नहीं बचता। राधा रानी के गोलोक धाम से बात चलिए, तुम सृष्टि में जाइए। बोले सृष्टि में जाकर करूँ क्या, गोलोक धाम से एक मिट्टी का ढेला फेंक रहा हूँ, उसमें आपके 84 कोस की परिक्रमा होगी जिसमें बन उपबन होंगे। आप अभी तो जाइए यमुना नदी नहीं, कलिंग पार से यमुना को भेजा गया, उस समय यह यमुना नदी थी। 20 भांजी कीर्ति जी यमुना से डेली प्रार्थना करते टाइम, यमुना मैया मुझे एक लड़की दे। एक दिन सुबह भोर के समय एक कमल का फूल निकलता था, वो कमल का फूल सोने के माफिक चमक रहा था। जैसे सूर्य की किरण पड़ी वो फूल पूरा खिल चुका था, उसमें नेत बंद कर एक लड़की। और आप जो ये आए हुए हैं यहाँ पर कलाकार जिन्होंने स्वरूप धारण कर रखे हैं, और ये किन किन के स्वरूप इन्होंने धारण कर रखे हैं थोड़ा सा बताएंगे आप? ये राधा कृष्ण के स्वरूप में अपना और अपनी कोई प्रस्तुति देने वाले हैं ये, कृपया दीजिए आप अपनी प्रस्तुति और इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं हम सभी और सारे संसार भर के राधा भक्त कृष्ण भक्त। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे जू से कहा जा रहा है कि राधे जू आपने कौन सी ऐसी तपस्या की जो तीन लोक को तारने वाले हैं वो आपके अधीन हैं। तो राधे जी हैं और राधे जी के साथ ये कृष्ण जी हैं और अब अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं स्वरूप राधा कृष्ण और सखियों के। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त मच रहा है धमाल राधाष्टमी का। राधाष्टमी भी कहीं और की नहीं वरन राधा जू की पावन पुनीत जन्म स्थली की। आपकी कैसी अनुभूति है आज यहाँ पर आकर? मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुशी।
हो रही है, मैं हर बार यहाँ आती हूँ और हर बार आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर। जय श्री राधे राधे राधे। लीजिए आप एक बार फिर से श्री राधा रानी के दर्शन कीजिए और इस छवि को आप अपने अंतस में समेट लीजिए और इनकी कृपा लीजिए। अगर इनकी कृपा हो गई तो समझ लीजिए कि बेड़ा ही पार है, क्योंकि इनका नाम राधा रानी है और राधा राधा जपे से हर बाधा मिट जाती है। कोट जन्म की आशा राधे नाम ही हो जाए। राधा वर कुंज बिहारी गोवर्धन गिरवरदारी, जय जय बाके बिहारी, जय हो राधा 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 रानी हमारी आपकी, जय हो राधा रानी आपकी, जय हो सदा जय हो। बोल बरसाने वारी की जय, और आवाज वारी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए ये जो ब्रज मंडल है ना, यहाँ पर तो जो अभिवादन है ना वही राधे राधे है, और हमारो धन जो है ना वो भी राधा ही है। हमारो धन राधा श्री राधा, राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा राधा राधा। पर्व राधा रानी का जन्माष्टमी का दिन है। इसका जन्म करीब 5000 से लगभग पूर्व हुआ था और यहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी और यहाँ के राजा प्रस्थान और कीर्ति कुमारी यमुना मैया के सेवक थे, वो उनके भक्त थे। तो यमुना मैया में कमल के फूल में से राधा रानी प्रकट हुई। यहाँ राधा रानी 11.5 साल तक रही, उसके बाद किशोरावस्था जब शुरू हुई तो वो बरसाने चली गई।
इनको किशोर जी के नाम से जाना जाता है, बरसाने में इनको यहाँ लाडली लाल जी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी की जय। और माधव प्रिया जी कहा जाता है, इसे राधा रानी के तीन रूप है, लाडली लाल और किशोरी जी और प्रिया जी। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर, बहुत आनंद आ रहा है और यहाँ पर हम आनंद ले रहे हैं राजा रानी के जन्म का। जय हो राजे रानी की जय हो। और आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं, राधा जी हुई हैं और राधा जी का जन्म हुआ है और आप उनके जन्म की साक्षी बनी हैं, कैसी अनुभूति है आपकी आज? आप कैसा महसूस कर रही हैं आज ये बताएं, और आज यहाँ पर क्या क्या आयोजन हुए हैं और क्या क्या और हो रहे हैं? आज मैं बहुत यानी बहुत खुश हूँ, आज मेरी राधा लाडो का जन्मदिन है। और अभी हम लोग के यहाँ सुबह तो हम लोग का अभिषेक हुआ है और शाम को फिर बधाई उत्सव होगा, और यह आज बहुत धूमधाम से हमारी राधा रानी का सब प्रोग्राम हो रहा है। बहुत ही आनंद हुआ है और बहुत ही आनंद हो रहा है और आनंद आ रहा है, ये श्रद्धालुओं द्वारा बताया जा रहा है। बहुत रावल में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भक्तजन आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं बहुत। और स्वामी जी का उत्सव है, खूब धूमधाम से मना रहे हैं, लड्डू मठरी उड़ रहे हैं, खूब चक्का आनंद ले रहे हैं। और देखिए ये राधा जी की महिमा कितनी अपरंपार है कि राधा जी ने यहाँ पर मथुरा के जो जिलाधिकारी हैं सर्वज्ञ राम मिश्र, उनको भी बुला लिया है और जिलाधिकारी जी राधा जी की पावन पुनीत जन्म स्थली में जब पहुंचे तो उनका यहाँ के मंदिर के सेवायतों द्वारा स्वागत सम्मान भी किया गया, उन्हें माला भी पहनाई गई। सपत्नीक पहुंचे जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र राधा जी की पावन पुनीत जन्म स्थली, उनके दर्शनार्थ खुद को धन्य किया जिलाधिकारी ने यहां पर आकर। बड़े धर्मपरायण हैं ये, आपने इन्हें बरसाना की लठामार होली में भी खूब मस्ती करते देखा था और अब भक्ति करते भी देख रहे हैं। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ये जिलाधिकारी जी जहाँ अंदर गए हैं वहाँ पर कौन सा मंदिर है ये? वो गर्भगृह है राधा रानी जी का जी। तो यहाँ पर राधा रानी जी का गर्भगृह है, उनको लेके राधा रानी को लेके। और ये देखिए हम आपको लेके आ गए हैं, कहाँ पर हम ले आए हैं आपको? मंदिर के ऊपर। और यहाँ पर मंदिर की जो गुंबद है वो दिखाई दे रही है और यहाँ पर झंडियाँ आदि दिखाई दे रही हैं और जिलाधिकारी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये पुजारी जी दिखाई दे रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं यहाँ के बारे में, क्या बता रहे हैं? ये जो करील का वृक्ष कहते हैं ना, ये राधा कृष्ण का रूप है दोनों का, और ये दोनों जो जब राधा रानी की उत्पत्ति हुई थी, प्रकट हुई थी राधा रानी, कीर्ति कुमारी जब अरदास मांगी कि हे माँ गंगा मैया जमुना मैया सॉरी कि मुझे एक संतान की उत्पत्ति तो दे दो कम से कम, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो यमुना मैया ने कमल के फूल में उत्पत्ति दी इनको राधा रानी को। तो कीर्ति कुमारी ने वो फूल लेके इस करील के नीचे रख दिया जी, जो राधा कृष्ण का रूप है इसके नीचे रख दिया, कहीं इनको गर्मी नहीं लग जाए, कहीं इनको जी वो नहीं लग जाए छाव, जिससे इनके मुरझा नहीं जाए फूल। तो ये गर्भगृह से ही फूल, ये जो करील है हमारे जो है, हम इनको राधा कृष्ण का ही रूप कहते हैं, ये राधा है ये कृष्ण है इसमें जो है। अच्छा, ये गर्भगृह से ही चली आ रही है, ऐसे चली आ रही है। और ये मंदिर जो है ये 5000 वर्ष पुराना है, और डीएम साहब को भी इसीलिए आप गर्भगृह से सीधे यहीं ले आए हैं, क्यों डीएम साहब?
आप कैसी अनुभूति कर रहे हैं आज, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ये राधा रानी जी का प्राकट्य स्थल है, आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये तो ब्रज की महिमा है, राधा रानी, भगवान कृष्ण, भगवान बिहारी जी, सब लोग इस जन्म, मतलब उनका जन्म स्थान है और यहाँ का कणकड़ पवित्र है, तो आकर के आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको हम देख रहे हैं, आप बड़े भक्ति भाव वाले हैं और आपने बरसाना में भी खूब आनंद लिया था और यहाँ पर भी खूब भक्ति आप कर रहे हैं। देखिए, हम तो अपनी सरकारी सेवा के कारण भी आते हैं, आनंद तो अपने आप इस स्थान पे मिलता है। जो भी आता है, जितने श्रद्धालु हैं, सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, रसानंद में आला। देखिए, झोली पसार कर मांग रहे हैं कुछ श्रद्धालु, जिनमें सम्मिलित हैं जिलाधिकारी जी की भार्या भी, उनकी धर्म पत्नी भी और भी अन्य महिलाएं हैं यहाँ पर। मनोती मांग रहे हैं श्रद्धालु राधा जी की जन्म स्थली रावल में आकर। आपकी अनुभूति आज की कैसी है, आज आपने क्या मांगा है राधा जी से? राधा जी से कोई क्या मांगेगा, वो तो खुद ही सब जो है सब जानती हैं, अंतर्यामी हैं, पर फिर भी हम लोग उनसे प्रार्थना पूरे अपने सुख शांति सब बच्चों के परिवार के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आपने प्रार्थना की है। बहुत जाम खड़े हैं, ये राधा रानी का गांव रावल, उनका जन्म स्थान भी यही है, जैसे कृष्ण का जन्म स्थान है वो ही राधा जी का जन्म स्थान रावल। यहाँ इनका प्राकट्य हुआ था कमल के फूल से, और इनका ब्रसुबान जी के जहाँ खड़े हैं, ये ब्रसुबान जी के महल थे। यहाँ पर राधा रानी 11.5 साल यहाँ पर खेली कूदी है, इनका लालन पालन यहीं पर हुआ है, और 11.5 साल के बाद ये बरसाने गई हुआ। इनको किशोरी जी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर इनको लाडली जी बोलते हैं, और हम सभी ब्रजवासी आज के दिन सभी यहाँ बधाई ले लेकर के आते हैं, सभी गोकुल वाले। और यहाँ पर श्रद्धालुगण और जिलाधिकारी जी वगैरह ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर घाट वगैरह है और ये यहाँ पर जल भी बह रहा है। हाँ, ये जमुना मैया ही बह रही, जमुना मैया का जल है, ये यमुना मैया है। हाँ, जमुना मैया है। यमुना मैया का कौन सा घाट है ये बताएंगे आप जरा? ये राधा घाट है, राधा घाट। अच्छा। हाँ, ये राधा जी यहाँ पे यहीं पे जो कम देखो सामने जो है, ये राधा जमुना मैया है, यही पे ये इनका जो अष्ट सखी थी, इनकी कीर्ति मैया की जो सखी थी 8, वो यहीं पे मतलब इन्होंने अपनी मनौती मांगी थी, जो मनौती मांगी गई थी वो इसी जगह मांगी जी। और ये वही जगह है, यहाँ ब्रसुबान जी के महल थे, यहीं पे इनका लालन पालन हुआ था, 11.5 साल वो इसी जगह पर खेली कूदी है। 11.5 साल के बाद जब कंस ने ज्यादा अत्याचार किए हैं, उसके बाद ये बरसाने गई है, बरसाने में ये किशोरी जी है, हमारे यहाँ लाडली जी है। आपने देखा श्री राधा रानी का गांव रावल, और इस रावल में स्थित उनका मंदिर, जहां पर कि आज उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। ये रावल गांव का जो मंदिर है, यही वो स्थल है, यही वो पावन पुनीत भूमि है, जहां पर कि आज से करीब 5,500 साल पहले श्री राधा रानी ने जन्म लिया था, और उनके जन्म की लीला एक बार फिर से यहाँ पर आज साकार रूप में प्रदर्शित हुई है, और उस लीला के साक्षी बने हैं तमाम श्रद्धालु हासोआम। और अब आज की इस कवरेज को यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री को इजाजत दीजिए, और एक बार प्रेम से जोर लगाकर बोलिए, बोल राधा रानी की जय। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली।